नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं इस वीडियो में आपके लिए पिछले 20 से 25 साल से पूछे जा रहे लगातार GK GS जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं उनका एक वीडियो लेकर आया हूं। मिक्स क्वेश्चंस हैं, पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपसे 50 प्रश्न पूछे गए हैं, 50 प्लस प्रश्न हैं, 60 प्रश्न हैं। 60 में से कितने आप अटेम्प्ट कर पाते हैं और अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस में से कितने सही होते हैं चेक करिए, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करके अपने ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो लाइक करें और अपने ग्रुप्स में, किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हैं तो शेयर ज़रूर करिए। एटलीस्ट एक ग्रुप में तो ज़रूर करिए कि कम से कम कुछ स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, वो इसके थ्रू हमारे चैनल पर ज़रूर पहुँच सकें, तो सहयोग ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? जो क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में जब भी पूछा गया है, क्वेश्चंस के नीचे उसकी जानकारी आपको दी गई है। आप डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को नोट्स बनाकर रख लीजिए, पूरे क्वेश्चन देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि जो आपकी तैयारी है उसमें आप कितने निखर पाए हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं। तो कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास जी थे। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद के जनक हैं। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र बयाना था। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र बयाना था। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और अलग अलग एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ में ऊपर नीचे करके पूछे गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। ठाकुर रोशन सिंह को कौन सी जेल में फांसी दी गई थी? तो मालका नैनी जेल में ठाकुर रोशन सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने तरन तारण नामक नगर की स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाएं संकलित हैं? तो शेख फरीद की गुरु ग्रंथ साहिब में सूफी संत की रचनाएं संकलित हैं। किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदीन गंज ए शकर सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। यूक्लिड रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो जगन्नाथ ने यूक्लिड रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम क्या था? तो चंद्रमौली मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो हसन खान सूरी शेरशाह सूरी के पिता का नाम था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। अवध राज का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अवध राज्य का अंतिम नवाब था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चिन किलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो वर्ष 1707 में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे? तो शाह आलम द्वितीय का अकबर द्वितीय पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो आलमगीर द्वितीय के पिता का नाम जहांदार शाह था। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। अहमद खान अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद खान अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद किसने शासन किया? तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह ने शासन किया। संगम साहित्य क्या है? तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यही संगम साहित्य की जानकारी है। हम्पी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल राजाओं के बारे में जानकारी का स्रोत है हम्पी गुफा अभिलेख। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो पुरातत्व शास्त्री थे सर जॉन मार्शल। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहराम जी मालावारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बहराम जी मालावारी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। सुखदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब में सुखदेव का जन्म हुआ था। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का जन्म हुआ था। महात्मा हंसराज स्वामी दयानंद जी के प्रथम बार कब मिले थे? तो महात्मा हंसराज स्वामी दयानंद जी से 1885 में पहली बार मिले।
जगजीवन राम का जन्म कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 1908 में जगजीवन राम का जन्म हुआ था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो बम्बई में 7 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन जी की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेता कौन था? तो केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज के नेता थे। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मौलवी इमदाद अली बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के स्थापक हैं। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी इन्होंने? तो 1872 में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक कौन थे? सतीश चंद्र मुखर्जी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक बिहार विद्यापीठ के कुलपति थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल योगेश चंद्र चटर्जी चंद्रशेखर आज़ाद सचिन चंद्र सान्याल ए और बी ऑप्शन नंबर ए और बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो बैरिस्टर प्रथम नाथ बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। रेतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन हैं? तो थॉमस मुनरो रेतवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1906 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र युवक संघ का गठन किसने किया था? तो पाटलिपुत्र युवक संघ का गठन राम वृक्ष बेनीपुरी जी और अंबिका कांत सिंह ने किया था। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इन्होंने 1929 में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की थी। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो मणिन्द्र नारायण राय ने पटना युवक संघ की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये था आज का आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। कैसा रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितने क्वेश्चंस आपसे बने हैं चेक करिए, आपकी तैयारी चेक करिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। वीडियो लाइक करिएगा और कम से कम एक ग्रुप में एक स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।